सरदार अदबी जी अकाल में तारीफ की थी, रेलगार के होना सुन के मालवरिया जाना खूबसूरत बैठी कौन किसी रुपये निगाह करता गया करता गया जिस कुछ कर रहा आख लगो मेरी गल समझी ने अखी जी समझी अखी समझी ने इतिहास समझी अख कोई कुछ के बयान कर दे तसली हो जी समझी एक कुछ खड़ा हो आख लगा जी इस समझाए तुम ये पैक दो भाई परहेजगार होगा जरा मेरा खुश ना हो इंज न समझ देखो मेरे अजीजो असि किसी नु मना नहीं करते सारे जलसे में जाओ बिल्कुल समझा मेरे अजीज दोस्त जेड़े मैनू बुरा भी कह सारी मस्जिद जाकर अपने इश्तहार ला देन मैं नहीं मना कर सुन लो बुझलो तरीका है मेरी मस्जिद आके कितने लड़े कि जितने चार दिराक है जैसे मैं तो यह जो आदमी हाँ अगर मैनू कोई शख्स हक समझा दे इंजन है मैं तो उसे कदम चुमने देते कोई किसी ना झगड़ा नहीं कोई जिद नहीं कोई नाद नहीं किसी को मैं नहीं आ रहा कि तुझे जिनानी बटानी कुटनी जैसे बराबर किस्मत तेरी मैं परिवार सफर तेरी अखा जी नहीं तेरी अखा होना आज मैंने देखा था कितने लुत्फ उठाया डॉक्टर आ गया अन्न का इलाज करने वाला जिनानी जैसे काली पोटी जिनानी को डर वाले भाई मेरे खाउन ने इलाज चाह की तो सोच मैं जिस मुझे सुन आखती रही हूं तो फिर तो मैंने तक छड़ जाना डॉक्टर को भी आकर की फीस तेरी 20 रुपए तो मैं 50 दे सब सारी में इलाज कर मेरे काम न कर उस वक्त के में ऐसे तो एक समझा छोटी भी है ऐसे कहने तो सी अपनी अच्छी लगा लो ये निकाल तो सानू पसंद आवे तो सी को करो सानू जरे खफे होने तो भी तुम दस्ते एक जाट गया जेल एक हिंदू गया वो जज जो तकड़ा है दिल का हिंदू है कमजोर उसकी घर रोटी आवे हलवा आवे गोश्त आवे सब कुछ आवे वो जज के दरवाजे से आके जेल से आख्या बापू बेचारा बड़ा कमजोर है बड़ा बीमार है वो घर वाले भी लड़ पूर्णिया हलवे बना के ले जाऊ उत्थे जाऊं तो जज आप खा छे हिंदू कमजोर बैठे छुट गए जेल छुट्टी गए तो जट मेरी गल सुन नहीं जान है पंजाबी ठीक है ना यार ना तुसी दिल्ली दे ना मैं लखनऊ दा हैं छुट के गए तो जट आखा भी मेरे ना जेल च है तो जट की शादी करनी पुत्र दी के जाना है दूर भाई ना इतने रोटी के वक्त ना सी कितों खाई शायद कि तुस भी वो हिंदू मेरे नाल आया कि उसने रह के पिंड मैं उस जाके ना ते आ कभी वैसी तो लग सा देख पके दे रोटी पका छ गया जी ना उस हिंदू ने जा दी कि वो जट जेड़ा है वो कि सारा दोस्त है मैं जट मार के हिंदू भी है तो जट गद पे बैठ गया ये जाके खड़े गद जानते हो ना है तू एक ही पास खड़े उन्होंने तक दी पास खड़े उन्होंने तक इस वाले खड़े तो डंडे मारे डग्गे ने खूब चला आखिर लगा लगा जा नहीं तो तेरे इन कुट सां जिमे जी मैं इन्हें डग्गे ने कुटा तेरे को कहने का उस हिंदू ने क्यों क्यों अके हेजी ते हेजी दा इतनी बुद्धि क्रियाएं कर रहे हैं जितना हलवा है मैंने खबर चढ़ा जितनिया पूर्णियां मैनू गवा छड़िया जितने दुध है मेरे पिला छदा
जितनी जलेबी मैन लगा चलिया पापड़ एक दिन नहीं समझ साढ़े कसूर पापड़ ना समझ नहीं कर पापड़ ना दें साढ़े कसूर पापड़ ना सुनो सुनो ये बिल्कुल गलत है जो आप दिन ये नबी अलैहिस्सलाम की हयात के कायल नहीं असं कहने असं नबी अलैहिस्सलाम की शहादत की हयात के कायल हाँ कायल हाँ कायल सुन लें लेकिन असि हयात बरज़खी उखरवी के कायल हाँ दुनिया के कायल हाँ अल सुन भी जानी हूं क्यों अल्लाह ताला एक चीज दूसरी को चंगा आखे अल्लाह ताला रहमान है बल आखिरत खैर लक मिन अल उला पैर ने भी पिछली आयत इस पुरली पर तन बेहतर है मैं के बता कुरान ही पर बता दे अल्लाह ने के फरमाया है दुनिया भी बेहतर के आखिरत है क्यों आखिरत की जड़ी है वो किस वेले होसी बोला सौ पी का हूं तो पहली हासिल है ना ए वक्त आंदा जो तेन कोई दस अल्लाह ताला आखरत दी फसौ पत्थर दहा तू सुते खुश हो जा सकी सुते ओह जेड़ी आखरत की जिंदगी तेन मिलेगी उस तू खुश हो जा सकल समझी पे हाँ जी के समझ है कि अल्लाह ताला ने आखरत की याद दुनिया से की फरमाया बेहतर दुनिया की जिंदगी लाभ लाभ है खेल है असली जिंदगी क्या है आखिरा इसके पिछे अल्लाह ने फरमाया अलम को पिछले फरमाया लव काश के लोग पता होना आखिरा तो बहुत बेहतर है दुनिया में कदे पसंद न करे किसने फरमाया अल्लाह अच्छी फरमाने याद है मगर उखर भी जी अल्लाह फरमाने बल तो शुरू मलाया था दुनिया बल आखिर तो खैरू अब कितनी साफ बल तो शुरू मलाया था दुनिया तुसी पसंद कर दू जिंदगानी दुनिया नू बल आखिर तो खैरू आखिरत बेहतर भी है ज्यादा पायदार भी है कहीं छाया कुरान करीम इन्ना सुहबिल उला सुहबिल इब्राहीम कुरान भी है कि आखिरत दुनिया थी बेहतर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सही बात भी है मूसा अलैहिस्सलाम ने सही बात भी है उसने ऐसा इस वास्ते से कहने के नबी अलैहिस्सलाम दी जिंदगी है हयात है मगर उफर भी है तुम भी नहीं जी तुम सब एक किताब पढ़ के दिखाओ लिखे मैं तुम भी दुई कर दिखाओ उसने जवाब जनानी आई टाटी की मरद तम चुनाव रुपए पाते अच्छा देखो ना चिट्ठी गई एक हिंदू को रह गया आखन लगे जी तू मैं चिट्ठी पढ़ दे उस हिंदू चिट्ठी पढ़ी काजी कुत्ता भी दीन आज मर गया लिखा वो एक ही मुसलमान को गया आखन लगे जी चिट्ठी आई पढ़ दे उसका क्या लिखा वह काजी कुतुबुद्दीन अजमेर गए हैं असि कठोर आख दिया असि कहने काजी कुतुबुद्दीन अजमेर गए समझ लो असि कह दें काजी कुतुबुद्दीन अजमेर गए वो आखते इन आखते ने काजी कुतुबुद्दीन अज मर गए जनानी आई दादी जना है लिस्सा जो कुछ खाया पकाया जो कुछ देवे बेचारे एक दिन आखन लगा हानि लूण थोड़ा जनानी छिड़क भाई
जुत्ती लैके अगे नठ पिया, पग बह गए, बेड़ा है सौड़ा उठ पौड़ी दरार उठ दी चढ़ गए, पग जुटे दिन जाके एक जुत्ती नहीं सौ जुत्ती माल जा कर सची करू नहीं जाना लूण है जो एक जुत्ती नहीं सौ जुत्ती माल कर सची करू नहीं जाना लूण है जो गल सची करू नहीं जाना नबी इस्लाम की है याद अखर भी है आला है अरबा है बुलंद है जिंदा है गल सची करू नहीं जाना दुनवी नहीं दुनवी नहीं दुनवी नहीं जिस दिन मसला शुरू होया 20 साल पहले मैं जामे मस्जिद जाकर हर मामू सुन रहे असी हजरात जो मांग अल्लाह ताला तुम्हें दे रूम के हजार रहमत अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया के हजार रहमत करे असी उन्हें खाके पा जी असी उन्हें खाके पा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हाफिज असलम बैठा काजी इसमें कुल को खुश मैं आज इजलास कितने हो गए त्रै सात साल इजलास को 10 मिनट पहले से गए देव आरिफ सैयद साहब आंधे मेहमान खाने चाह पीने सरना भी मेहमान ने मजलिस कर दिया भरु कलम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आरिफ सैयद साहब फरमाने लगे ये यानी याद दुनिया की किस्सा बन रहा है ये हजरत मौलाना नौतवी रहमतुल्लाह अलैह का तफर्रुद है यानी अकेला उनका कौल है और फिर कहने लगे कि अगर एक आदमी की तफर्रुद हो यानी अकेला कौल हो तो दयानंद के तौर पर वो उस पर कायम रहे लेकिन उसकी तशहीर न करे तशहीर उसी की करे जो जमहूर का कौल है और फिर कहने लगे कि हमारे दूसरे अकादर जो बंद का सुन लो मौलाना नौतवी की सेवा हमारे दूसरे कारी तैयब साहब ने हमारे दूसरे अकाबिर देवबंद का यानी दूसरे मौलाना नाथ की सेवा बाकी अकाबिर देवबंद का मशायख देवबंद का कोई कौन है जो तुम कहते किस वक्त आखा 20 साल टकरा मार मार के ये कहने रहे कि तू हिंदू बंदी नो तू हिंदू बंदी नो तू हिंदू बंदी नो भी हजार को पिछे कारी थी अपने सानू आखा पक्का बाजी बाकी अकादर जो बंद कोई कौन जेड़ा तुसी कहने हो मैं आखा कि जी ऐसा तो 20 साल मार खा दी जिसने फरमान लगे ताकतवर आदमी मार के खा अल्लाह सुभान अल्लाह ताकतवर आदमी मार के मोरी सरफराज साहब का बेटा बड़ा इना जायदा थी कराची रिश्कार मौजूद है मौलाना यूसुफ साहब बनूरी फोत हो गए कारी तैयब साहब आने ये बिच मौजूद है इन्हें सारी जमात के मुतलिक पूछा एक कौन है कारी साहब फरमाया कटर दे बंदी फिर पूछा कौन के कटर दे पूछ लो बाबा क्या है यार सुना नहीं सत साल अजलास होया 100 साल की पिछे अजलास होया जले जो बंदी उम्र कितनी हो गई 100 साल समझा तखमीनन बल्ला आलम 35 लाख आदमी दुनिया दम हो दूँ त्रै चार कनाल दे सिर्फ स्टेज ही बना दा पूछ लो 35 लाख दे विचो पाकिस्तान दे विचो पगड़ी उस स्टेज ते किसने बनाई गई 20 साल तक इन्हों ने मारने थी पिछे 20 साल तक मारते रह गए देवबंदी नहीं देवबंदी नहीं वो झगड़े दो दफा कारी तय साहब भी आए सब कुछ उन्होंने मालूम है 20 साल थी पिछे देवबंद सत साल अजलास जो स्टेज ते पगड़ी अ पगड़ी किस नारा पगड़ी कटे मौली सरफराज जड़ी पगड़ी स्टेज की बनाई गई है कटे कोई और मार तो स्टेज से पगड़ी बनाई गई नारा पगड़ी कोई भी कट के दिखा दो
कोई दिखा दो, एक मैनू बनाई दे, एक मोरी बैग साहब घोड़े खटक बन लू, एक मोरी अपना मीह दो लहरी साढ़ा साथ बारिश नहीं साहब बनाई दे, असल बनाई दे, मेरे को अलग बनाए नहीं पाकिस्तान की ए पगड़ी मैनू बनाई भी है सारे को सुन लिया ने हूं हासिल दे सू की अगर देवबंदी ना दे मिलने की लड़ है कोई सू की इन्होंने बंदा की लड़ ही भी सारे टिकरा मारने की पिछे छठे जुटे पगड़ी शरीफ में बनाई सब कुछ मालूम है मोरी गुलाम उल्ला खान उन्हें भी साल खैर के बंदी बनने को पिछे उसे दिलास गया बीमार होया असद मियां डॉक्टर आंदे फिर असद मियां अपनी कार बैठा के दिल्ली लै के हवाई जहाज से खुद चढ़ा के सुन लिया ने अज मैं चल जाना दो बंद हो अज चले जाना चलो मुकर करो दो बंद चले जाना यह मसलक मैं बयान कर थोड़े सामने किया मैं बाप मैं बैठा ना कि देवबंद के बिच जाके इमरसल बयान न करें तो वह कोई मां का लाल उठे मैं अखबार देने को देवबंदी नहीं गल अज मेरे ना चले मैं देवबंद चाहना देवबंद दारू की मस्जिद बिच यह कुछ बयान कर सा कि मैं याद दुनवी नहीं मनता नहीं मनता मैं नबी रसूल की याद उहर ही मनना आला मनना अरब मन अगल मनना याद कायल पर उहर भी मैंने कोई माद लाल अखवा दे बात अल्हम्दुलिल्लाह।